कृष्ण, कान्हा, कंधिया, बंसीधर, मुरलीधर, मनमोहना, द्वारकाधीश, बांके बिहारी, रणछोड़, माखनचोड़, न जाने ऐसे कितने अनगिनत नामों से सृष्टि के जिस संचालक को हम संबोधित करते हैं, आज उन्हीं के जन्म दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाए जाने के अवसर पर हम उन्हीं भगवान जगदीश्वर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण का जन्म माधव मास की अष्टमी को मध्य रात्रि में हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म कारावास के अंदर हुआ था। कारावास में जन्म होने का कारण उनके मामा कंस थे, जिन्हें अपनी बहन के विवाह के समय ये आकाशवाणी की थी कि इसी बहन के आठवीं संतान के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, जिसके भय से उन्होंने भगवान कृष्ण की माँ देवकी और पिता वसुदेव जी को कारावास में डाल दिया। भगवान कृष्ण उनकी आठवीं संतान थे। इनके पहले उनकी सभी सातों संतानों को कंस ने जान से मार दिया, जिससे कोई भी उनकी मृत्यु का प्रयास न कर सके। लेकिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उसके सारे प्रयास विफल हो गए। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो जेल के सभी दरवाजे, कारावास के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए थे। उसके सभी पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए थे और भगवान कृष्ण द्वारा कंस का वध किया गया। इस बीच कंस ने उन्हें मारने के कई सारे प्रयास किए, लेकिन वो सभी प्रयासों में विफल हो गए। कंस का अंत होने के बाद हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। कहते हैं कोई भी व्यक्तित्व पूर्ण नहीं होता, लेकिन भगवान कृष्ण दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी हर माँ अपने बच्चे की नटखटपन को देखकर उसे कान्हा का नाम देती है, उन्हें प्यार से कान्हा को पढ़ती है। जब पांचों पांडवों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया तो भगवान कृष्ण ने उन पांचों पांडवों को दुनिया की सबसे विशाल सेना से लड़ाकर उन्हें उनका अधिकार दिलाया, उन्हें अधिकार दिलाया और महाभारत जैसे काव्य की रचना हुई, गीता जैसा उपदेश दिया तो ऐसा जो गीता के नाम से पूरी दुनिया में जाना गया और पढ़ा गया। हमारे भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने जिस उम्र में जिस समय को जिया है वो पूर्ण है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरीके का नहीं जैसा हमारे भगवान कृष्ण का है। इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण किसी के घमंड को चूर करने के लिए इंद्रदेव जैसे भगवान के घमंड को चूर करने के लिए गोवर्धन जैसे विशाल पर्वत को एक उंगली से उठा लेते हैं, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर मुरली को जो कि प्रेम का प्रतीक है दोनों हाथों से संभालते हैं। इसके आइए हम भगवान कृष्ण के जन्म के जन्माष्टमी पर्व को इन लाइनों से संबोधित करते हैं, इन लाइनों के साथ मनाते हैं। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।